अलर्ट है। पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। बता दें, शासन के निर्देश पर कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहीं एसपी सिटी संजय कुमार ने सभी वार्ड मजिस्ट्रेट के साथ बैठकर दिशा निर्देश दिए हैं और लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है, जिसको लेकर एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार से खास बातचीत की। जौनपुर के काकवाली चौराहा पर खड़े हैं। कोरोना जैसी महामारी लगातार पूरे विश्व में फैली है। आइए, हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार हैं, इनसे जानते हैं जौनपुर में किस तरह पुलिस मुस्तैद है, किस तरह से लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जौनपुर में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आज उसी मुस्तैदी के तहत DM और SSP महोदय द्वारा यहाँ कोतवाली में कार्यक्रम किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स को आमंत्रित किया गया, जो अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग की और अन्य चीज़ों का पालन करेगी और कराएगी। सर, जौनपुर में चार जगह हैं, मतलब हॉटस्पॉट किए गए, वहाँ पर पुलिस की किस तरह की व्यवस्था है? जो चार जगह हॉटस्पॉट कराए गए हैं, उसमें उसको चारों जगहों को सील कर दिया गया है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति न बाहर से अंदर जा सकता है उन एरिया में और न अंदर से बाहर आ सकता है, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस की है। जिस तरह की हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह थे, उन्होंने बताया कि चारों जनपद जनपद के चारों जगहों को हॉटस्पॉट से सीज कर दिया गया, जहां पर जौनपुर में चार कोरोना के मरीज मिले थे, जिसमें से ठीक हो गए 3 लोगों को बनारस भेजा गया है। अजीत गिरी, के न्यूज, जौनपुर। मुजफ्फरनगर में कोरोना वायरस